हमारे यहाँ जो अभी जो कस्टम है यहूदियों के यहाँ, ज्यूस के यहाँ, आमतौर से दो दिन रोजा रखते हैं वो साल में, दो अलग अलग दिन है। एक उनका जो नया साल आता है उस नए साल के दसवें दिन रखते हैं, यौम-ए-किपुर कहलाता है उनके यहाँ। यौम-ए-किपुर में वो ये होता है नए साल की दसवीं तारीख उनकी, जिसमें वो रोजा रखते हैं। मुझे ख्याल आया एक हदीस का के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये नहीं कि अल्लाह ने उनको बताया, फरिश्तों के जरिए इत्तला दी, लोगों ने बताया कि यहूदी जो है वो 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, और ये 10 मुहर्रम को रोजा इसलिए रखते हैं कि ये दिन जो है वो इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन से बचाया था और फिरौन का लश्कर डिबोया था इस तारीख में 10 मुहर्रम को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रहा आइंदा साल तो मैं इसमें एक दिन और मिलाऊंगा, इसलिए कि इनसे ताकि ज़रा मुख्तलिफ हो जाए। लेकिन असल बात तो ये कि उन्होंने कहा कि हम उनके ज़्यादा करीब हैं मूसा के, और उनके करीब होने के हम ज़्यादा हकदार हैं इन यहूदियों के मुकाबले में, और हमारा ज़्यादा हक है कि हम रोज़ा रखेंगे। अब 10 मुहर्रम नया साल की दसवीं तारीख, यहाँ 10 जो इनका जो नया साल है यौम-ए-किपुर वो मुहर्रम नहीं है, उसकी यहाँ पर जो है वो दसवीं तारीख। इसमें ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर ये जो तारीख है यौम-ए-किपुर ये वो तारीख नहीं है इनकी तारीख के मुताबिक जिसकी वजह से ये रोज़ा रखते हैं, जिस दिन वो फिरौन का लश्कर जो है वो बचाया गया था, यौम-ए-किपुर वो तारीख नहीं है। तो मुमकिन है कि ये हमारे यहाँ कहीं खलत मलत हो गया हो, ये इनका जो नया साल है उसकी दसवीं तारीख, और उसको किसी ने ऐसे रिवायत कर दिया कि वो 10 मुहर्रम। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह की तरफ से मालूम होता ये हदीस में ऐसा होता कि ये इत्तला थी तो फिर फाइनल हो जाता, क्या लोगों ने बताया था तो उन्होंने कहा हम भी रखेंगे अगले साल 10 मुहर्रम। लेकिन ये 10 मुहर्रम को नहीं रखते, ये अपने नए साल की दसवीं तारीख पर रखते हैं जो इससे मुख्तलिफ है। तो एक बात तो दरमियान में ये ख्याल आया तो मैंने यहाँ पे तस्किरा कर दिया, और दूसरी ये कि तो फिर वो 10 मुहर्रम की इतनी अहमियत नहीं बचेगी, देखिए ये तारीख भी वो नहीं, और ये लोगों को कुछ गलत फहमी हुई होगी, वो जो रखते हैं बिल्कुल मिक्स नहीं थे आपस में एक दूसरे से, इनकी यहूदियों की बस्ती अलग थी यहाँ थी, तो बात आप यहाँ पर रहते हैं हिंदुओं के साथ में रहते हैं तो आपको उनकी तफसीलात ज़्यादा नहीं मालूम है उनके त्योहारों और उसकी वजूहात और बहुत सी और चीज़ों की, ऐसे ही उनके व्रतों की आप में से कितनों को मालूम है कब कब व्रत रखते हैं, और रखती है अच्छी खासी तादाद व्रत उपवास उनकी। तो जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी आपके साथ रहती चली आई है जब बच्चे से बड़े हुए तो आपको नहीं मालूम, तो ऐसे ही वहाँ पर जो कुछ भी बातें होंगी वो मुमकिन है कि इस तरह से उनकी वो दस मुहर्रम की तरह से फैल गई हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई, तो जब बताई गई तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी रखेंगे। खैर इसकी तो जो भी हकीकत हो, एक बात आई थी जहन में, एक पाँचवा महीना है उसकी 9 तारीख को रखते हैं वो, ये 2 रोज़े रखते हैं आमतौर से, और इनका 25 घंटे का रोज़ा होता है यहूदियों का, एक दिन सूरज डूबने के बाद से छोड़ते हैं खाना पीना दोनों, पानी भी नहीं होता, और फिर वो अगले दिन सूरज गुरूब होने नहीं और थोड़ी सी देर के बाद तकरीबन 25 घंटे का रोज़ा होता है वो,